परम सम्मानित मंच एवं प्यारे साथियों, शहीदों का सम्मान एवं विद्यार्थियों का वार्षिकोत्सव, दो आयामों वाले इस कार्यक्रम में मैं लक्ष्मण बिश्नोई विद्यार्थियों से जुड़ा एक गंभीर विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। विचारों की अभिव्यक्ति में कहीं कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। मान्यवर, भीगती मसों और फूलती नसों के दिनों में अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक छोटे से 10x10 के कमरे में निपट अकेला बैठकर रो रहा एक किशोर अपने मन मस्तिष्क में चल रहे झंझावातों चक्रवातों को झेल रहा होता है, अपनी मनस्थिति को कोस रहा होता है। किसी छोटे बड़े सपने के खत्म हो जाने के कारण हर वक्त खुद को हीन समझ रहा होता है, और उसके बाद वो एक ऐसा फैसला लेता है जिसे लेने का उसे कोई हक नहीं है। मान्यवर, वो एक खत लिखकर छोड़ता है, फिर इस दुनिया को छोड़ देता है। वो अपने आखिरी खत में लिखता है कि मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था, यही एकमात्र समाधान है, मैं आत्महत्या कर रहा हूं, मुझे माफ करना, और यह कहकर वो मर जाता है। मेरा आज का विषय उस आखिरी खत का जवाब है कि आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। मान्यवर, सोचिए, जरा सोचिए, किसी कमरे में एक पंखे से एक रस्सी बंधी हुई है, उस पर एक लड़का लटक रहा है, उसके निर्जीव शरीर के निर्बल और शक्तिहीन हाथ पैर हवा में झूल रहे हैं, आंखें फटी हुई है, गर्दन की नसें टूट चुकी है और गालों पर आंसू की कुछ बूंदें सूख कर जमी हुई है। मान्यवर, वो लड़का एक बार के लिए तो मर गया, लेकिन उसकी फटी हुई आंखें उसकी मां का फटा हुआ कलेजा बनकर जिंदा रहेंगी, उसकी गर्दन की टूटी हुई नसें उसके बाप के दिल के टूटे हुए वो तार बनेंगी जो अब कभी झंकृत नहीं होंगे, गालों पर सूख चुके आंसू के बूंदे उसकी बहन की आंखों से हरदम बहा करेंगी, और उस निर्जीव शरीर के निर्बल और शक्तिहीन हाथ पैर जो हवा में झूल रहे हैं उसके भाई की हिम्मत को जिंदगी भर तोड़ा करेंगे। और एक अल्पकालीन आवेश के कारण लिया गया उसका यह निष्ठुर निर्णय उसके जैसे लाखों युवाओं को इस तथा कथित समाधान के लिए प्रेरित करेगा। मान्यवर, यह कैसा हल है, यह कैसा हल है जिसमें अपनों का बर्बाद होता हुआ कल है। खुदकुशी करने वाला इंसान खुद तो एक बार मर जाता है, लेकिन उसके यार दोस्त, उसके घर परिवार के लोग, उसके रिश्ते नाते के लोग बार बार मरा करते हैं। वो हर वक्त खुद को अपराधी समझते हैं और इस संतरास के कारण वो जीते जी मरे हुए के समान होते हैं। मान्यवर, मुझे यह विषय इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि पिछले 2 साल में भारत में 4000, राजस्थान में 150, इस शहर में 9 और यहां तक कि इस महाविद्यालय में 5 विद्यार्थी खुदकुशी कर चुके हैं, जिनमें से 3 मेरे अजीज मित्रों में शामिल थे, और इनमें से लगभग 80% आत्महत्याएं छोटी मोटी अकादमिक विफलता के कारण किया गया आत्मघात थी। इन आंकड़ों से उठती हुई चीखें इस विषय की आवाज को उठाना चाहती है। डॉक्टर्स और मनोवैज्ञानिकों का यह कहना है कि अगर उन तक सही वक्त पर किसी प्रकार की मदद, सहानुभूति और मार्गदर्शन पहुंचता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। आंकड़ों का स्पष्ट मानना है कि 10 में से 8 आत्महत्याएं स्पष्ट संकेतों के बाद होती है। उन्हें उनकी बातें सुने, हमारे आसपास में हमारा यह नैतिक दायित्व बनता है कि जो हमारे आसपास में मानसिक तनाव से, मानसिक दबाव से ग्रसित लोग हैं उनकी बातें सुने, उन पर विश्वास जताएं, उनकी हिम्मत बढ़ाएं। आत्महत्या मनचाही मौत नहीं है, यह अनचाही मौत है। मरना उन्हें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन घबराकर एक क्षणिक आवेश में यह निर्णय ले लिया जाता है। उन्हें यह बताएं कि यह कोई समाधान नहीं है। अब तो घबराकर यह कहते हैं कि मर जाएंगे, मरकर भी चैन नहीं मिला तो किधर जाएंगे। सही वक्त पर उन तक पहुंचाया गया मानसिक प्रोत्साहन उनकी जान बचा सकता है। जो खुदकुशी करना चाहते हैं उनके लिए मेरा यही संदेश है कि जब कभी यह लगने लगे कि अब तो बस आत्महत्या ही एकमात्र उपाय है, खुदकुशी ही एकमात्र समाधान है, तब अपनी आंखें बंद करके अपनी भविष्य दृष्टा कल्पना शक्ति से अपनी मौत का मंजर देखिए। अगर सफेद कफन ओढ़कर जमीन पर पड़ी अपनी लाश के पास शुद्ध बुद्ध खोकर बेहोश हो चुके अपने मां बाप, रोती कलपती बहने और दहाड़े मारकर चीखता भाई नजर आ जाता है तो उनके होठों के तबस्सुम को अपने जीने का बहाना बना लेना। अपने शोक अपने सपने जो आपकी मौत के साथ किसी और मायने में पूरे हो रहे हैं उन्हें पूरे करने को अपने जीने का बहाना बना लेना। अपनी कला को विस्तार देने को, आगे के जीवन को निहार लेने को, दूसरों को उपकार देने को कोई भी बहाना बना लेना। जीने के बहाने लाखों हैं।
अगर फिर भी कोई बहाना ना मिले तो जैसे बचपन में मास्टर जी की मार से बचने के लिए कोई बहाना गढ़ लिया करते थे, इस बार मौत से बचने के लिए बहाना गढ़ लीजिए, लेकिन मरिए मत। और वैसे भी अकादमिक विफलता कोई विफलता नहीं होती। विश्व नायक माने जाने वाले लोग कभी अपने अकादमिक क्षेत्र में सफल नहीं हो पाए थे। जिंदगी यहीं तक नहीं है, सफलता का पैमाना सिर्फ यही नहीं है। महात्मा गांधी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, थॉमस अल्वा एडिसन, न्यूटन, स्टीवन स्पेलबर्ग, मार्क जुकरबर्ग, सचिन तेंदुलकर, बिल गेट्स अपनी स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं में कभी सफल नहीं रहे थे, लेकिन जीवन में अपने अपने क्षेत्र में उत्कर्ष तक पहुंचे, पराकाष्ठाओं तक पहुंचे। अतः छोटी मोटी विफलताओं को दिल से न लगाएं, छोटे मोटे सपनों के पीछे जीवन बर्बाद न करें। गोपाल दास नीरज जी की पंक्तियां हैं कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है, सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और उसका टूट ना जू जागे कच्ची नींद जवानी, गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, चंद खिलौने खो जाने से बचपन नहीं मरा करता है, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।